स्टूडेंट्स, जे ओशन अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पहले स्टूडेंट्स, इस समय आपके स्क्रीन पर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही होगी। जी बिल्कुल, इस समय हम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। और ये वेबसाइट यहाँ पर क्यों खोली गई है, क्यों मैं इसको चेक किया, BSPSCL जो जेई कि जो वैकेंसी है या जितने भी आपके वैकेंट सीटें हैं उससे रिलेवेंट वैकेंसीज आपकी क्रिएट नहीं हो रही हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, पिछले 4 सालों में इन्होंने ये बताया है कि अभी इसमें वैकेंट सीटें नहीं है। क्या आप ये बताइए कि क्या पिछले 4 सालों से एक भी वैकेंसीज नहीं क्रिएट हुई BSPSCL डिपार्टमेंट में, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में? जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, बेसिकली आपके बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के पटना वगैरह से, और जो भी बच्चे इधर उधर से तैयारी करते हैं, जरा उनके उन बच्चों के बारे में सोचिए जो पर्टिकुलर इसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। और डिस्कॉम ने यह बोल दिया कि अभी इसमें कोई भी वैकेंट सीटें नहीं है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट आपका ऐसा बोलता है कि इसमें वैकेंसीज क्रिएट होती हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी कि कुल मिला के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अभी वैकेंट सीटें नहीं है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि वैकेंसीज आपकी 4 सालों में क्यों नहीं क्रिएट हुई? ये डिपार्टमेंट से क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के तरफ से, और हमारा खुद का जितने भी पैरा स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स की तरफ से जो प्रिपरेशन मोड में है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा पैरा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ थोड़ा सा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पैरा स्टूडेंट्स। हाँ, चलिए, ये आपके न्यूज़पेपर की कटिंग है। बिजली कंपनी में अभी कोई रिक्ति नहीं, यानी पटना बिजली कंपनी ने साफ किया है कि अभी न कोई रिक्तियां हैं और न ही बहाली की प्रक्रिया विचाराधीन है। कंपनी की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार कुछ वेब पोर्टल पर लोगों को गुमराह करने के लिए BHPSCL के नाम से फेक वैकेंसीज निकाली जा रही हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया है। यानी कुल मिलाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी वैकेंसीज अभी क्रिएट नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वैकेंसीज अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका मतलब कि जवाब मांगता है स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन मोड में है, और आपके 4 सालों में वैकेंसीज आपकी क्रिएट क्यों नहीं हुई? तो इसी को देखते हुए पैरे स्टूडेंट्स, ट्विटर पर हैशटैग आपको चलाना है, जिससे कि अपनी बातों को हम एक अच्छे तरीके से, एक सभ्य तरीके से हम उन तक पहुंचा पाएं, डिस्कॉम डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ बिहार के पास तक हम पहुंचा पाएं, जिसके लिए हम लोगों ने ट्विटर अभियान रखा है। ट्विटर अभियान का आप हिस्सा बने, ट्वीट करें, और ट्वीट करने का जो स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मेट होगा, आप देख सकते हैं आखिर क्या कारण है कि 4 साल से बिहार कंपनी में, बिजली कंपनी में वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। डिपार्टमेंट इसका जवाब दे, और हैशटैग आपको एज अ सेम वे करना है, रिलीज BSPSCL वैकेंसी, और आपका जो भी हैशटैग यहां पर लगा हुआ है पर्टिकुलर, आप इसको देख सकते हैं, इसी सेम रेफरेंस में आपको करना है। और अगर आप ट्वीट करते हैं नहीं, अगर इससे भी रेफरेंस नहीं मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको लिंक वहां पर मिल जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, सीधे रिट्वीट या ट्वीट कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अपने हक के लिए अपनी बात को एक अच्छे तरीके से गवर्नमेंट तक पहुंचाने में आप मदद करेंगे, और आपकी आपसे लड़ाई है, इसके लिए आप अपना सहयोग जरूर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मेरी ये भी उम्मीद है बिहार सरकार से और बिहार के एनर्जी मिनिस्टर से कि आप वैकेंट सीटों का ब्यौरा लेकर के जल्दी से जल्दी वैकेंसीज को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को पोस्ट करता हूं, ताकि ये आपका बिहार सरकार तक चली जाए ये बात, और वो इस पर एक निर्णय लें, और जल्दी से जल्दी जितने भी वैकेंट सीटें हैं उनका एक बार स्ट्रक्चर फॉर्मा तैयार करा के, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन मोड में हैं, जो तैयारी करते हैं, ताकि उनके साथ हमेशा मतलब कि सही हो सके, इस तजुर्बे से, इस नसीहत से वैकेंसीज निकाली जाएं और इसका एग्जाम हो, वैकेंसीज क्रिएट हो, एग्जाम हो, और स्टूडेंट्स अपना सिलेक्शन लें जिनका ये BSPSCL ड्रीम जॉब है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को पोस्ट करता हूँ, बड़ी उम्मीद है कि आप लोग जरूर पहुंचाएंगे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के पास, और जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, रिस्पेक्टेड एनर्जी मिनिस्टर ऑफ बिहार, उनके पास तक ये जाए और ये उस बात को सोचे समझे, और जो डिप्लोमेटिक स्टूडेंट्स हैं और जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनकी बातों को ये समझें और उनके दर्द को ये समझ सकें और वैकेंसीज को क्रिएट कर सकें। गलती कभी कभी ये होती है पैरा स्टूडेंट्स, किसी की नहीं होती है, हम अपनी बातों को दूसरे तक हम पहुँचा नहीं सकते हैं अच्छे तरीके से, है ना? तो ये तरीका है, अच्छा तरीका है, एक लीगल तरीका है अपनी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात को अच्छे तरीके से, एक पढ़े लिखे सभ्य स्टूडेंट्स के जैसे, आप जरूर इस बात को पहुंचाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।